हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। जो टॉपिक लिखा हुआ है बोर्ड पर आप देख सकते हो कि आज का जो गोल है हमारा वो है फैक्टर्स कंट्रोलिंग रेसिस्टेंस, और ये तीनों टॉपिक जो अभी मैं लिखा हुआ है, मैंने लिखा है यहाँ पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और तीसरा इलेक्ट्रिक पावर, ये तीनों टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको करने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा वो पूरा फिनिश हो जाएगा। अगर आपने स्टार्टिंग से हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप इसके पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री को देख सकते हैं, जिससे आपको एक बहुत बढ़िया आइडिया लग जाएगा। वैसे तो कोई रिलेशन नहीं है पिछले टॉपिक से, लेकिन फिर भी आज का टॉपिक आपको उनको उन टॉपिक्स को देखे बिना भी समझ में आ सकता है। तो इसको देखने के फौरन बाद आप चाहो तो उन लेक्चर्स को भी एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा और एक सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, पहले इसको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्चुअल वे में थोड़ा सा इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत बेहतर से, जो हमारी वीडियोस को पहले से देखते हो आ रहे हैं, आप सबको पता है कि मैं जो है क्वांटिटीज ऑफ वीडियो पे क्या मैं ध्यान नहीं देता कि कितने वीडियोज़ हमारे हो गए, कितने लेक्चर्स हमारे हो गए। मैं क्वालिटी पे जो है ध्यान ज़्यादा देता हूँ, क्वालिटी मैटर्स करता है मेरे लिए और कॉन्सेप्ट मैटर करता है मेरे लिए। तो मैं इन दो चीज़ों पर फोकस करता हूँ, एक क्वालिटी और एक कॉन्सेप्ट। एजुकेशन की क्वालिटी बेटर होनी चाहिए और जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़िया से क्लियर होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि पढ़ाई जो है वो अच्छे से हो जाती है इसको करने के बाद। जो बच्चों आज का गोल है, हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बहस नहीं करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे और आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपका वेलकम गो टू साइंस में, आपका ब्यूटीफुल सा चैनल, आपका हैंडसम से चैनल गो टू साइंस में, और मैं हूं आपका शहबाज सर। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला है बच्चों फैक्टर्स कंट्रोलिंग रेसिस्टेंस। बच्चों फैक्ट नहीं, रेसिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं। वैसे चार फैक्टर्स है दोस्तों, लेकिन एग्जाम में लिखने का तरीका क्या है वो मैं बोर्ड पे लिखूंगा। ठीक है, और उसको समझते भी चलेंगे। जो सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चों, मतलब जो रेसिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है, उसमें जो सबसे पहला है कि रेसिस्टेंस, ऐसे लिखेंगे रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर। किस पे बच्चों? लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी इसको ऐसे लिख करके, और ये भी लिखेंगे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि एल पे, यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। यानी कि अगर कंडक्टर इतना बड़ा है और इसकी रेसिस्टेंस मान लो फॉर एग्जांपल 5 ओम है, तो अगर मैं इस लेंथ को बढ़ा दूं, यानी कि कंडक्टर की लेंथ को मैं और ज़्यादा इंक्रीज कर दूं, यानी कि अब वायर जो है इतने से लेकर के हम बड़े वायर का अगर मैं यूज़ करूंगा सेम वायर, तो इसका मतलब है कि उसकी रेसिस्टेंस क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, सो अगर लेंथ बढ़ता है तो रेसिस्टेंस भी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। सेकेंड जो है हमारा दोस्तों वो है कि रेसिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया। अब बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग अपने वर्ड में थिकनेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? थिकनेस भी बोलते हैं। तो बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है। इट मींस दैट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब कि R जो है बच्चों वो A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज अगर हम एरिया बढ़ा देते हैं, एरिया का मतलब है बच्चों यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये जो वायर की थिकनेस है ना, इसको तो एरिया ही से निकालेंगे हम लोग। मान लो वायर की थिकनेस निकालनी है तो आप इसका पायर स्क्वायर तो फाइंड करोगे। इसका मतलब है कि अगर एरिया बढ़ेगी, मतलब अगर इसकी मोटाई बढ़ेगी, अगर कंडक्टर ज़्यादा मोटा होगा, अगर वायर ज़्यादा मोटी होगी, इसका मतलब है कि उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी बच्चों, कम होगी। इसलिए आप देखते हो कि गलियों के अंदर, जो गली में आप देखोगे तार बहुत मोटे मोटे लगे होते हैं जो ट्रांसफार्मर से आते हैं, इसका मतलब है कि उसकी रेसिस्टेंस को कम करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, कि जितनी मोटी वायर होगी उसमें रेसिस्टेंस कम होगी तो करंट अच्छे से फ्लो कर पाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इट मींस दैट इफ A इज इंक्रीजेस देन R विल बी डिक्रीज्ड, इफ A इज डिक्रीजेस देन R विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, उल्टा रिलेशन है बिल्कुल। अब जो हमारा तीसरा नंबर, थर्ड वन इज के R यानी रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बच्चों बहुत बड़ा फैक्टर ये टेम्परेचर, कि जो रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। कैसे सर? ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि अगर वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर वायर में टेम्परेचर बढ़ा दोगे आप, यानी वायर गर्म हो जाएगी, तो उसकी रेसिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है, और रेसिस्टेंस बढ़ने की वजह से वो वायर गर्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अगर वायर ज़्यादा गर्म हो जाए, अगर आपके घर में कोई अप्लायंसेस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, जैसे फैन है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दो, क्योंकि गर्म होने की वजह से उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसकी रेसिस्टेंस बढ़नी शुरू हो जाती है, और जब एलिमेंट की रेसिस्टेंस बढ़ेगी बच्चों, तो अभी मैं सेकंड टॉपिक में पढ़ाऊंगा कि करंट के बढ़ने से, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से और रेसिस्टेंस के बढ़ने से उसके अंदर का हीट होना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब हीट
हीट बढ़ेगा तो एलिमेंट के जलने का खतरा रहता है, एलिमेंट का खराब होने का खतरा रहता है, ठीक है। चलो उसके बाद जो चौथा फैक्टर है बच्चों, वो चौथा फैक्टर है कि रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, इसका क्या मतलब है सर? नेचर ऑफ मटेरियल को बहुत जगह रो लिखते हैं, ऐसे रो है ना, थोड़ा पी को टेढ़ा करके थोड़ा लिख देंगे रो, ठीक है बच्चों। तो नेचर ऑफ मटेरियल का क्या मतलब है? देखो नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है कि बच्चों, नेचर मतलब होता है कि किस चीज़ से वायर बनी हो सकता है सर, कॉपर हो सकता है वायर जो है सर वो आयरन की बनी हो, किसकी बनी हो वायर, आयरन की बनी हो सकता है वो सिल्वर की बनी हो, तो सर सिल्वर, आयरन, कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम, तो इन सब में जो वायर्स हैं इन सब के अंदर करंट के फ्लो होने की अलग अलग जो है एबिलिटी होती है, सबके अंदर रेसिस्टेंस अलग अलग होता है। आप कॉपर वायर को अच्छा मानते हो है ना, क्यों अच्छा मानते हो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्योंकि कॉपर वायर की रेसिस्टेंस कम होती है। अब एल्यूमिनियम वायर को उतना अच्छा नहीं मानते क्योंकि एल्यूमिनियम वायर की रेसिस्टेंस हाई होती है। अब आप खुद सोचो कि हम लोग रेसिस्टेंस की बात तो कर रहे हैं क्योंकि मटेरियल चेंज कर रहे हैं, तो रेसिस्टेंस भी क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि रेसिस्टेंस जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन जो नेचर ऑफ मटेरियल है बच्चों वो फिक्स है, यानी अगर कॉपर वायर की रेजिस्टेंस कुछ है तो उसकी रेसिस्टिविटी बिल्कुल फिक्स होगी, मतलब कॉपर वायर की जो रो की वैल्यू होती है इसको रेसिस्टिविटी भी कहते हैं बच्चों। तो रेसिस्टिविटी क्या होती है कॉपर वायर के लिए, बिल्कुल फिक्स होती है, कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। और अगर कॉपर से आप एल्यूमिनियम की बात करो तो एल्यूमिनियम में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है सिल्वर, लेकिन हम सिल्वर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए इनमें से कौन सी वायर का इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर इज कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा पहला टॉपिक कि फैक्टर्स कंट्रोलिंग रेसिस्टेंस, या कौन से फैक्टर जो रेसिस्टेंस को जो है कंट्रोल करते हैं। एग्जाम में आए तो आप ऐसे लिख के आइएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैं इन दोनों यानी इस रिलेशन और इस रिलेशन को एक साथ उठाऊं तो कुछ ऐसे लिख सकता हूं, यस और नो बताओ। आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन में ए, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा सर ओके। अच्छा उसके बाद मैं चाहूँ इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में, क्योंकि दिखाई नहीं सकता, हो सकता है मैं अलग से बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि सर R को ऐसे लिखा जा सकता है प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A, लिखा जा सकता है, बिल्कुल सर। अच्छा इन दोनों के हिसाब से कि L ऊपर है A नीचे, ठीक है। अच्छा अगर R को मैं ऐसे लिख दूँ इक्वल टू का साइन देकर के, रो एक रेसिस्टिविटी, यही कॉन्स्टेंट आ गई, ठीक है, और L को L रहने दो, A को A रहने दो, मतलब R का एक फॉर्मूला बन गया सर अपना, R का एक अपना फॉर्मूला बन गया, दैट इज रो L अपॉन A। सो व्हाट इज रो यहाँ पर, जो रो यहाँ पर क्या है सर, तो रो इज रेसिस्टिविटी, जिसकी SI यूनिट मैं बता चुका हूँ आपको पिछले लेक्चर्स में, असाइन होती है रो की रेसिस्टिविटी की ओम मीटर, ठीक है। और जो लेंथ है हमारा वो आपको पता है कंडक्टर की लेंथ, जो कि गिवन होगी पेपर में, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब अगर एरिया नहीं दे रखा तो क्वेश्चन में रेडियस गिवन होगा, बच्चों अगर रेडियस गिवन हो तो आप पायर स्क्वायर फॉर्मूला लगा के आप एरिया फाइंड कर सकते हो, और ये सारी वैल्यूज रख करके आप आर की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, तो एक आर का एक फॉर्मूला यहां से बन के आ जाता है हमारे पास, ठीक है। चलिए तो पहला टॉपिक हमारा हो गया बच्चों फिनिश, ठीक, आर किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारा सर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, या इसको हम पता है एक और टॉपिक के नाम से जानते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या मतलब है सर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, क्या मतलब होता है? नाम से क्लियर है, हीटिंग इफेक्ट किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। मतलब अगर किसी कंडक्टर में कंटिन्यूअसली करंट पास करेंगे तो क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर हीट जनरेट हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इसी को कहते हैं, इसी फिनोमिनन को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई डेफिनेशन रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्या बोलेंगे, इफ वी पास करंट इन अ कंडक्टर कंटिन्यूअसली देन हीट इज इंड्यूस्ड या हीट इज डेवलप्ड इन द कंडक्टर। हीट क्या होती है? प्रोड्यूस हो जाती है, डेवलप हो जाती है कंडक्टर के अंदर। इसी फिनोमिनन को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस फिनोमिनन पे, इस प्रिंसिपल पे कौन कौन काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ढेरों एग्जाम्पल आपके घर में है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस आप लोग करते हो, कपड़े पे आयरन करते हो, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। जैसे सर हमारे घर में इलेक्ट्रिक टोस्टर है, टोस्टर क्या करता है, उस पर आप टोस्ट को जो है जनरली गर्म करते हो, तो टोस्टर में भी वही एलिमेंट ऐसे लगे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वो गर्म हो जाती है और आपका टोस्टर जो है तैयार हो जाता है खाने के लिए। उसके बाद आप अपने घर के अंदर बहुत सारी चीज़ इस्तेमाल, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करते हो, तो इलेक्ट्रिक हीटर जो है बच्चों वो भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे जो है काम करता है। तो आपसे पेपर में हो सकता है पूछ ले कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे किन किन से कौन कौन से अप्लाइंसेज वर्क करते हैं, तो आपको दो तीन अप्लाइंसेज के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की। जूल्स ने कहा था कि अगर हीट जनरेट होगी किसी कंडक्टर में तो वो कितनी होगी,
कितनी हीट जनरेट होगी इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और किसी कंडक्टर में जो हीट जनरेट होती है, जो हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट किन किन बातों पर डिपेंड करेगी, इसको भी हम समझ सकते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। तो जूल्स ने क्या कहा था, जूल्स एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने कहा था कि हीट, मैं स्टेटमेंट लिख रहा है, इसमें लिखना है, इट स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली, इसको लिख भी लेना आप, ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, मैं इसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ सिर्फ, आप स्टेटमेंट भी लिख लेना, इट स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, टू द स्क्वायर ऑफ करंट, एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। मतलब जूल्स ने अपने स्टेटमेंट में ये दो बात कही कि जो हीट प्रोड्यूस होगी कंडक्टर में वो स्क्वायर ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी, ठीक है, और रेसिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी। मतलब अगर करंट बढ़ाओगे तो हीट उससे ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा, आप जिस रेट से करंट को बढ़ाओगे तो हीट उसके स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगा, मतलब और ज़्यादा तेजी से हीट बढ़ेगा, ठीक है। आप एक कंडक्टर में 5 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रहे थे और अब कंडक्टर में आप 5 के बजाय 6 हो गया करंट की वैल्यू, तो हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अचानक से, ठीक है, उस कंडक्टर में, इसका ये मतलब हुआ। इसका क्या मतलब है सर, कि अगर आपने मान लो कॉपर वायर यूज़ कर रहे हो अभी आप, और कॉपर वायर जनरली ज़्यादा गर्म नहीं होती है, ठीक है, और अगर उस कॉपर वायर की जगह पर अब आप एल्युमिनियम वायर का इस्तेमाल करोगे तो जाहिर सी बात है वो वायर क्या हो जाएगी, गर्म ज़्यादा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि कॉपर वायर की रेसिस्टेंस जो है वो एल्युमिनियम वायर से कम होती है, तो कॉपर वायर कम रेसिस्टेंस था तो कम हीट हो रही थी, एल्युमिनियम वायर ज़्यादा रेसिस्टेंस कैरी करता है इसलिए उसकी हीट ज़्यादा होगी, ठीक है बच्चों। इसी तरह से आप जो घर में हीटर यूज़ करते हो तो इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर हम लोग नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत राउंड राउंड सा सर्कुलर सा होता है, इस तरह का है ना वायर होता है, आपने देखा होगा हीटर में लगा हुआ, तो हीटर में नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से उसमें क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जनरली हम लोग नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है पेपर में पूछ ले तो आप ये लिख सकते हो कि उसकी जो रेजिस्टेंस है नाइक्रोम वायर की वो बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज़ व्हाई इट प्रोड्यूस मोर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब इन दोनों को मिला के मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर लिख सकता हूँ, यस और नो, बिल्कुल सर एक ही बात है दोनों का मतलब, ठीक। अब यहाँ से जैसे ही मैं प्रोपोर्शन हटाऊंगा इक्वल आएगा, और इक्वल आने के बाद एक कांस्टेंट आएगा जिसको कहेंगे हम टी, क्या बोलेंगे टी, तो आई स्क्वायर आर टी आ गया हमारा, ठीक है। चलो इस तरह से हमारा जो है हीट का फॉर्मूला मिल गया सर, यहाँ से देखो हीट का फॉर्मूला। अब हीट के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप चाहो ना तो ओम्स लॉ लगा के, क्या लगा के, ओम्स लॉ लगा के, यूजिंग ओम्स लॉ, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूजिंग ओम्स लॉ, आई को हटा दो यहाँ से, आई की वैल्यू क्या है, वी अपॉन आर होती है, आई की वैल्यू क्या होती है, वी अपॉन आर, आप आई की जगह पर वी अपॉन आर रखो, देखो क्या फॉर्मूला बनता है, एच इक्वल टू, ठीक है, आई की जगह पर वी अपॉन आर, तो वी अपॉन आर इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या करो, स्क्वायर करो, इंटू में आर इंटू में टी, आप बताओ क्या फॉर्मूला बना, एच इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में है ना आर और इंटू में टी, बच्चों ये तो है, ठीक है। अच्छा एक आर से एक आर कैंसिल हो गया सर, अच्छा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू में टी, मतलब एक नया फॉर्मूला बना सर हमारे पास, एच इक्वल टू, एक नया फॉर्मूला बना एच इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन में r इंटू में t, दिस द सेकेंड फॉर्मूला फॉर द हीट, सेकेंड फॉर्मूला फॉर द हीट, एक तो ये फॉर्मूला, इसी में i को हटाया तो ये मिला, अब इसी में आप r को हटाओ ओम्स लॉ से, तो ओम्स लॉ से आप अगर r को हटाओगे, ओम्स लॉ से अगर आप r को, तो r की वैल्यू होती है v अपॉन i, ओम्स लॉ होता है v इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है v इक्वल टू आई आर, अब यहीं से i की वैल्यू क्या होगी, v अपॉन r, और r की वैल्यू क्या होगी, v अपॉन i, ठीक है, तो हमने r की वैल्यू रखना है तो v और i नीचे आ जाएगा, तो v अपॉन i, ठीक है। अब इसी में रखना है बच्चों, इसी में, ये मेन फॉर्मूला, इसी के अंदर रखना है वैल्यू, ठीक है। तो अच्छा एच की, एच को एच रखो सर हमने, ठीक है, एच को एच रख लिया, आई को आई रखा सर, आई स्क्वायर, इसको तो हटाना नहीं इस बार, आर को हटाना सर, तो आर को हटाने के लिए रखना पड़ेगा वी अपॉन में आई, ठीक है, अच्छा इंटू में टी, इंटू में टी, बच्चों ये आ गया, तो आई से एक आई कैंसिल, इस तरह से एच बराबर बना, वी को वी लिखो पहले, आई को उसके बाद लिखो, और टी को टी लिखो सर, वी आई टी एक नया फॉर्मूला बन गया, तीन फॉर्मूले हो गए। क्या आपको तीनों फॉर्मूला रटने की जरूरत है, नहीं सर, हमें तो सिर्फ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग याद रखना है, हमें तो सिर्फ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग याद रखना है, क्योंकि वो याद रहेगा तो एक नया फॉर्मूला बनेगा, और यहां से आप तीनों फॉर्मूले कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमारे हीट का फॉर्मूला सारा का सारा हो गया, ठीक है, इस तरह से हम हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सर इस तीन फॉर्मूले का क्या यूज है, तीन फॉर्मूले का यूज ये है बच्चों कि जो चीज गिवन होगी ना क्वेश्चन में, जो चीज़ गिवन होगी क्वेश्चन है हम उसके हिसाब से काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है वी आर और टी गिवन है तो हम ये फॉर्मूले लगा लेंगे, फॉर एग्जाम्पल वी आई और टी गिवन है हम ये लगा लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई आर टी गिवन है क्वेश्चन में तो हम ये लगा लेंगे, न्यूमेरिकल में डिपेंड करता है कि क्या गिवन है, ठीक है बच्चों, ठीक। चलो इस तरह से जनरली हम हीट को पढ़ सकते हैं, ये था हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में। अब हमारा इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है सर, ठीक है,
इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। ओके चलो देखो, इलेक्ट्रिक पावर में बच्चों ये है, इलेक्ट्रिक पावर में ये है कि सबसे पहले इसको डिफाइन करना सीखेंगे कि क्या होता है सर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, इसको समझेंगे क्योंकि हम रटते नहीं। हमारा जो मेन जो पर्पस है वो क्या है बच्चों, आप सबको पता है जो आप पहले से पढ़ रहे हो तो सबको पता है कि हमारा जो मेन पर्पस है वो है कॉन्सेप्ट। सिर्फ डेफिनेशन रटवाना हमारा पर्पस नहीं है। डेफिनेशन पहले क्या है देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। वैसे तो इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन जो है बच्चों ये है, देखो ध्यान से, रेट ऑफ, ध्यान से देखना रेट ऑफ, क्योंकि बहुत लोगों ने गलत देख रखा है इसकी डेफिनेशन को। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो अच्छा, फॉर्मूला क्या बनेगा, मैंने आपको डेफिनेशन से फॉर्मूला बनवाना सिखाया है, कोई फॉर्मूला रटना नहीं है। पी कोस टू क्या होगा बच्चों, पी कोस टू होगा कंजम्पशन, रेट मतलब होता है बच्चों डिवाइडेड में टाइम होना चाहिए। ठीक है अच्छा सर, ऊपर क्या होना चाहिए, अब तो देखते हैं आगे किसका रेट है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा तो अभी तो हमने एनर्जी पढ़ा था, हीट एनर्जी, कौन सी एनर्जी पढ़ा था, हीट एनर्जी। तो जैसे आप हीट यहां पर रखोगे तो पी इक्वल्स टू हीट का एक फॉर्मूला लो, सबसे आसान वाला, आपने यहां पे लिख देता हूं मैं, हीट के तीन फॉर्मूले थे, क्या था, आई स्क्वायर आर टी, मैं तीनों लिखता हूं यहां पे, ठीक है। एक था हीट बराबर वी आई टी और एक था हीट बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू मी टी। बच्चों इन तीनों में से आसान वाला ये रखते हैं, वी आई टी रखते हैं। तो जैसे ही मैंने वी आई टी रखा तो यहाँ से टी क्या हो बच्चों, कट गया और पावर का जो ओरिजिनल फॉर्मूला आया, प्योर फॉर्मूला पावर का आया, वो आया पी इक्वल्स टू वी आई। ठीक है अच्छा, यहाँ से अब यहाँ से पावर की सर एस आई यूनिट क्या होती है ये भी बता दो हाथों हाथ, तो पावर की एस आई यूनिट क्या होती है, तो एस आई यूनिट ऑफ ऑफ पावर, एस आई यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, पावर की एस आई यूनिट बच्चों वो होती है वॉट। क्या होती है, पावर इज वॉट, क्या होती है, वॉट, एस आई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, इसको डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। और इसको बड़ी यूनिट इसकी क्या होती है, बिगेस्ट यूनिट क्या होती है, बिगेस्ट यूनिट क्या होती है, तो बच्चों इसकी जो बिगेस्ट यूनिट होती है वो होती है किलो वॉट, क्या होती है, किलो वॉट, किलो वॉट, इसको के डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। ओके बच्चों, एक किलो वॉट में 1000 वॉट होता है, 1 किलो वॉट में कितना वॉट होगा, 1000 वॉट, 1000 वॉट, क्लियर है। ये तो हो गई सर पावर के बारे में। अगर मैं यहां से कहूं कि 1 वॉट पावर को डिफाइन करो, यहां से मैं अगर कहूं कि 1 वॉट पावर को डिफाइन करो, पावर की जगह मैंने 1 वॉट रख दिया, तो हीट कितना होगा, एनर्जी कितनी होगी, 1 जूल सर, 1 वन रख दो 1 जूल, नीचे टाइम है तो सर कितना होगा, 1 सेकंड होगा। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, 1 वॉट पावर इज डिफाइंड, है ना, डिफाइंड एज व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी, व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड, क्या लिखेंगे, व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन वन सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हो 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम 1 वॉट को डिफाइन कर सकते हैं। ये तो था हमारा, है ना, वॉट का। अच्छा अब एक बात हो, तुम बोलोगे सर यहाँ पी इक्वल्स टू वी आई है, यानी कि मैं इस वी आई को हटा के, देखो फॉर्मूला और भी चेंज हो सकता है, इस फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला हीट का मिल गया बच्चों, वी आई की जगह पर पी रख सकता हूँ क्या, यस सर बिल्कुल, वी आई की जगह पर क्या रख सकते हैं, पी। तो जैसे ही मैं पी रखूंगा तो एक फॉर्मूला और नया सा बना, एच इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। यस बिल्कुल, 4 फॉर्मूले बन गए, कोई रटना नहीं पड़ा, कोई भी रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। आप अगर हमारे गो टू साइंस पे पढ़ रहे हो तो कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट से आएंगे सर, सारे फॉर्मूले। अब क्या है कि अगर इसे पता चला कि सर अगर कोई बल्ब मैं लाता हूँ 50 वॉट का और मैं अगर उसको 2 घंटे जलाता हूँ तो आराम से कितना हीट खपत करेगा, कितना हीट कंज्यूम करेगा, वो आराम से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, कर सकते नहीं कर सकते। लेकिन सर मसला पड़ेगा क्या कि हीट की एसआई यूनिट क्या होगी, आपने तो ये बताया नहीं, आपने पावर की एसआई यूनिट बता दी, पावर की एसआई यूनिट वॉट होती है, बिगेस्ट यूनिट किलो वॉट होती है। इसी तरह से बच्चों हीट की भी यूनिट होती है, हीट की एसआई यूनिट, जो हीट की एसआई यूनिट होगी, जो हीट की एसआई यूनिट, हीट की जो एसआई यूनिट होगी बच्चों क्या होगी, इसकी होगी जूल। क्या होती है बच्चों, जूल, सबको पता है, बस मैंने आपने पढ़ा होगा वर्क पावर एनर्जी में क्लास 9th में, जूल होगी। लेकिन इसको जो इसकी जो बिगेस्ट यूनिट होती है बच्चों, क्या होती है, बिगेस्ट यूनिट, हीट की जो बिगेस्ट यूनिट होती है बच्चों वो होती है किलो, है ना, किलो वॉट, वॉट आवर, क्या होती है, किलो वॉट आवर, इसको शॉर्टकट में के डब्ल्यू एच लिखते हैं बच्चों, के डब्ल्यू एच। देखो इसमें आपको दिख रहा होगा किलो वॉट तो हो गया पावर के लिए, और आवर किसके लिए हो गया, टाइम के लिए, क्योंकि सब में देखो ना हीट के जितने फॉर्मूलाज है सब में टी है, टाइम लग रहा है, इसका मतलब है कि किलोवाट हो गया पावर के लिए और टी के लिए क्या हो गया, आवर हो गया।
इसको कहते हैं बिगेस्ट मीटर। तो अगर तुमने सर अभी तो आपने बताया 1 किलोवाट में कितना होता है 1000 वाट, तो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होगा, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होगा बताओ, क्योंकि इसके बिगेस्ट यूनिट और इसके स्मॉल यूनिट में आपने रिलेशन बताया सर, इसके 1 किलोवाट में कितना वाट, तो 1 किलोवाट आवर में हमने बोला 1000 वाट, तो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल, तो सर 1 किलोवाट आवर में ये लिख लो 3.6 × 10^6 जूल, कितना 3.6 × 10^6 जूल, ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्लियर है बच्चों। इस तरह से जनरली जो है ये नीचे दिख रहा है सबको, मैं जरा एक बार चेक कर लूँ नीचे दिख रहा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर, दिख रहा है ठीक है। तो इस तरह से जनरली हम लोग फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूलाज को। तो आई होप कि आपको ये हीट समझ में आ गया होगा और पावर समझ में आ गया होगा, 1 वाट को कैसे डिफाइन करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 1 वाट की डेफिनेशन, ठीक है। चलो तो इस तरह से जो हमारा ये है जो चैप्टर, मतलब ये जो हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी वो कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोग पहले ट्राई करना इस क्वेश्चन को, फिर मैं करूंगा, ठीक है। मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं, फिर आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ठीक है। मैं फॉर्मूला नहीं हटाऊंगा, मैं फॉर्मूला नहीं हटा रहा, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप इसी फॉर्मूले के बेसिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अ बल्ब ऑफ 50 वाट is used 2 hours daily, ठीक है, 2 hours daily, find the heat generated by bulb। बच्चों यहाँ पर हीट की जगह पर ना कभी कभी एनर्जी लिखी होती है, क्या लिखी होती है मैं लिख देता हूँ, हीट की जगह पर क्या लिखी होती है, कभी कभी एनर्जी, क्या लिखी होती है एनर्जी। तो एक ही बात है, हीट हो या एनर्जी हो, फाइंड एनर्जी जनरेटेड बाय बल्ब या एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब लिखा रहता है, ठीक है। तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब लिखा होगा इसमें इन जूल एंड इन किलोवाट आवर, मतलब किलोवाट आवर में भी बताओ कितना और जूल में भी बताओ कितना। अब बच्चों ये है प्रॉब्लम, ठीक है, देखो ध्यान सुनो, इस क्वेश्चन को मैं करने की कोशिश करता हूँ, पहले आप लोग अभी रुक जाओ या फिर मैं पॉज करके है ना, आपको एक बार वीडियो को पॉज करो, आप लोग ट्राई करो, ठीक है। कर लिया पॉज, ठीक है। अब देखो, अब मैं करता हूँ, ठीक है। तो वो क्या है क्वेश्चन में, पहले हमें जब भी हमें सॉल्यूशन करता हूँ बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, तो मेरा एक रूल है ये है कि मैं पहले डेटा कलेक्शन करता हूँ कि डेटा गिवन हमारे पास क्या है पहले लिख लो। तो सर डेटा गिवन है इस तरह से कि सर पावर तो दे रखा है 50 वाट, इन्होंने पावर है 50 वाट, ठीक है सर। उसके बाद टाइम दे रखा है सर 2 घंटे, 2 आवर्स। अच्छा सर पूछा क्या है, अब इसने पूछा है सर क्या है वो देख लेते हैं सर। इसने पूछा है सर एनर्जी यानी हीट पूछा है सर H, तो H बराबर सर एक फॉर्मूला है इसमें पावर और टाइम दोनों आ रहा है, ये है, देखो PT यानी P इंटू में T। आप बताओ यहाँ से H बराबर क्या होगा, P मतलब 50 वाट इंटू में टाइम कितना है 2 आवर। अब आप सुनो ध्यान से, यहाँ से दो रास्ते हमारे पास, कितने रास्ते हैं यहाँ से, दो रास्ते हैं भाई, या तो आप जूल में जाना चाहोगे या तो किलोवाट आवर में। अगर आप जूल में जाना चाहोगे तो जूल SI यूनिट है, मतलब इन दोनों को मुझे SI यूनिट में बदलना पड़ेगा। अगर SI यूनिट में बदल गया तो आंसर जूल में आएगा, और अगर आपको ऐसे ही छोड़ना है तो किलोवाट आवर में आंसर आएगा। पहले जूल में लाता हूँ मैं, ठीक है, तो पहले जूल में लाता हूँ, तो क्या होगा 50 को 50 रहने के सर, क्योंकि वाट तो खुद SI यूनिट होती है लेकिन आवर इज नॉट द SI यूनिट ऑफ टाइम। तो आवर की जगह क्या रखेंगे, सेकंड, मतलब सर 2 घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे। तो 2 घंटे को सेकंड में चेंज करने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3600 से, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, तो 2 घंटे में 2 × 3600 सेकंड होगा। अब जो ये पूरी यूनिट आएगी, पूरी आएगी वो क्या आएगी बच्चों, जूल आएगी, क्योंकि अब सब SI यूनिट में आ गया। तो अब हीट जो आएगा वो किस में आएगा, SI यूनिट में आएगा, मतलब जूल में आएगा सर, ठीक है। अच्छा एच बराबर 50 × 2, ठीक है सर, कितना आएगा 5 × 2 = 10, यानी कि सर 10 आ गया, 10 और बिठाओ, और यहाँ पे सर इंटू में 3600। अब H बराबर क्या है सर, 36 को 36 लिखो और 1, 2, 3, 4 0 बिठा दो, 1, 2, 3, 4, ये आ गया 360,000 जूल। ये हमारा क्या आ गया, एनर्जी आ गई सर, ये एनर्जी आ गई 360,000 जूल। ये तो सर जूल में आया, अब किलो वाट आवर में ला के दिखाओ सर, तो किलो वाट आवर में भी ला के दिखाता हूँ, ध्यान से देखो इधर। H बराबर, फिर से मैं लिखता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ, P इंटू T से, पावर इंटू में टाइम, ठीक है। अच्छा H बराबर, P कितना था सर 50, ठीक है सर, ओके, टाइम कितना है 2 घंटा, इसमें 2 घंटे को सेकंड में चेंज नहीं करना, रहने देना। अब आप बताओ 50 क्या था, वॉट, तो सर वॉट लिखते हैं, 2 क्या था आवर, तो यहाँ आवर लिखते हैं,
50 वॉट था, 2 आवर था, तो वॉट आवर। लेकिन किलो वॉट आवर में क्या है? किलो वॉट आवर में सर किलो भी है सर, वॉट आवर तो आ गया लेकिन किलो कहां से लाएंगे? तो याद रखो हमेशा, कभी भी अपने मर्जी से किलो लाना हो यहां पर तो क्या करो, 50 × 2 तो ऐसे लिखो, 1000 से डिवाइड कर दो। अब जैसे 1000 से डिवाइड करोगे अपने आप यहां पर के आ जाएगा, डब्ल्यू एच तो पहले से था ही। अब देखो किलो वॉट आवर में आंसर आ गया हमारा। अब बच्चों काटो, 0 से 0 कटेगा, एच बराबर आ जाएगा। देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 10 × 100, 0 से 0 कैंसिल, एच बराबर 1/10। ठीक है, ये किलो वॉट आवर चलता रहेगा, ये यूनिट है किलो वॉट, किलो वॉट आवर। अब आप बताओ कितना आंसर आएगा, 1/10 को क्या लिखते हैं, 0.1 किलो वॉट आवर। पता है आपको बच्चों इंटरेस्टिंग बात, इसी किलोवाट आवर को हम लोग ना यूनिट बोलते हैं घर में। जैसे हम लोग ना अपने घर में कितनी यूनिट बिजली उठी, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 10 यूनिट, 100 यूनिट, है ना, दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है। तो यूनिट का क्या मतलब है, ये है किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर को एक यूनिट कहते हैं, मतलब 0.1 यूनिट भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। क्या लिख सकते हैं, 0.1 यूनिट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है बच्चों? तो आप देख सकते हो आराम से कि अगर आप एक बल्ब 50 वॉट का लाते हो, डेली 2 घंटे जलाते हो, तो एक दिन में वो बल्ब आपकी इतनी यूनिट खर्च करेगा। आपके अगर 5 रुपये यूनिट है तो 5 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 0.5 रुपीज़ आ जाएगा, और उसका 30 से मल्टीप्लाई करो तो 1 महीने का आ जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई करो तो 1 महीने का आ जाएगा कि कितना पैसा खर्च करेगा ये हमारा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0.5, 30 से करो 150, 150 नहीं 15 रुपये, 1 महीने में 15 रुपये उठा देगा एक बल्ब आपका, अगर आप उसको 2 घंटे डेली जला रहे हो। ऐसे आप निकाल सकते हो कोई भी बल्ब को, आप कितना जला रहे हो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो अपने घर में कि कितना बिजली उठा देगा। आप इससे बच सकते हो कि कितना कौन सा वॉट का क्या लेना चाहिए हम लोगों को, आराम से कैलकुलेट करके लो ना, क्योंकि कितना बिजली उठाएगा ये आपको पहले ही पता चल जाता है अगर आप पढ़ सकते हो बढ़िया से, इसको पढ़े लिखे हो तो। तो इस तरह से जनरली बच्चों ये टॉपिक, ये जो चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी, वो कंप्लीट हो चुका है। और इसी तरह से जो टर्म 2 के लिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द। इससे पहले मैंने तीन चैप्टर्स कंप्लीट कर रखा है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे वीडियोस हो गए, मतलब पूरे वीडियोस कंप्लीट हो गए। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जो चैप्टर्स हुए जल्दी से आप लोग देख लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, बहुत बढ़िया, तो हमारे वीडियोस को लाइक करके जाइएगा, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार देख रहे हैं तो, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले आ जाएगा। अगर आपके एग्जाम्स चल रहे हैं अभी, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।